एंड 2019 में यहाँ से डायरेक्टली एज इट इज इस लाइन को उठा के दे दिया और एक क्वेश्चन यहाँ से बना दिया. सो द ग्राफ ऑपरेंड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नॉट ग्राफ. सो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से पूछे जा सकते हैं. सो हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल हियर एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता. सो इस वीडियो पे मैं आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा. मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी के बारे में बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो पे मैं साथ में एनसीईआरटी भी लेके बैठा हूँ एंड आई विल बी शेयरिंग विथ यू सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. सो इन दिस वीडियो आई विल बी फोकसिंग मेनली ऑन बायोलॉजी एनसीईआरटी ऑफ बोथ क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे डजंट प्रेफर द एनसीईआरटी बुक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, रैदर दे प्रेफर द मटेरियल्स ऑफ देयर कोचिंग और एनी अदर बुक्स. और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो 50% ऑफ द क्वेश्चंस है नीट में, जो 50% क्वेश्चंस पूछा जाता है दैट आर आस्क्ड फ्रॉम बायोलॉजी ओनली. सो यहाँ पे बायो की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ इसमें थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. सो देयर आर हाई चांसेस ऑफ देम आस्किंग द क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइंस, डायरेक्टली फ्रॉम द डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के हर एक लाइंस, हर एक डायग्राम, हर एक कंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है. और जो क्वेश्चन जब सेट होता है तो वो क्वेश्चन कोई भी डायग्राम, कोई भी पैराग्राफ, कहीं से भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं. एज इट इज लाइंस पूछ लिया जाता है और साथ ही साथ आपको जो अबाउट दी ऑथर्स दिया गया है उसको भी देखना है, यानी कि उस ऑथर का डेट ऑफ बर्थ ये सब तो नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दैट ऑथर है उसको भी ध्यान में रखना है. अब इससे एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. जितना मुझे याद है शायद 2019 में जो नीट का पेपर हुआ था, इन द उड़ीसा पेपर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2019 में दो पेपर हुआ था. एंड जो उड़ीसा वाले पेपर में क्वेश्चन आए थे कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वी कैन गेट टू नो अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन. सो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो अबाउट द ऑथर्स होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. सो सी, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के आगे ही एक ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. एंड 2019 में यहाँ से डायरेक्टली एज इट इज़ इस लाइन को उठा के दे दिया और एक क्वेश्चन यहाँ से बना दिया कि कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन कौन से प्लॉट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो द आंसर विल बी रामाचंद्रन प्लॉट. सो आप देख सकते हैं कि कैसे एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है. सो दिस हैपन समटाइम्स कि क्वेश्चन आ जाते हैं अबाउट दी ऑथर सेक्शंस और साथ ही साथ जो समरी दिया हुआ रहता है एक चैप्टर्स के एंड में, जो समरी दिया हुआ रहता है उसको भी आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे डाटा उसमें शेयर किए हुए रहते हैं एंड जिसे हमें मिस नहीं करना है. क्योंकि आपको पता है कि फाइनल आंसर जो करेक्ट होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी आंसर्स ऑफ एनसीईआरटी ओनली. अब हो सकता है कि आप लोगों को एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बहुत सी समझ ना आए, लेकिन आपको वो बार बार पढ़ना होगा, इतना बार पढ़े कि वो लाइन आपके दिमाग में सेट हो जाए और जब पढ़े देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन रीड इट. अगर आप जस्ट ऐसे ही रीड करेंगे तो बहुत सारे लाइंस आपको समझ नहीं आएंगे. और एनसीईआरटी बहुत कंसाइज, बहुत शॉर्ट वे में समझाता है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग होता है. एक चीज़ समझाने के वक्त बहुत सारे लाइंस ये बस ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं. सो फॉर दैट यू रेफर टू योर टीचर्स नोट या फिर आप कोई यूट्यूब वीडियोज या फिर आप कोचिंग के मटेरियल्स, कहीं से भी चीज़ को समझे, लेकिन एट दी एंड आपको एनसीईआरटी के लाइंस को एटलीस्ट आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा. सो उसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा. आप ये देखेंगे कि आप जितना बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी इज एनसीईआरटी. अब ईसीजी में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि द ग्राफ दैट इज ऑप्टेंड दैट इज नोन एज, आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यही सबसे पहले निकलेगा. लेकिन हियर ये थोड़ा उल्टा है कि द ग्राफ दैट इज ऑप्टेंड इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी एंड द मशीन दैट इज यूज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और ये क्लियरली यहाँ पे मैंशन भी है कि दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑप्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल्स दिया गया है हर एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज इट इज़ वही सब एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है. अब हो सकता है कुछ एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद ना आ रहा हो या फिर उसको आप याद करने में परेशानी फेस कर रहे हैं, देन इन दैट केस आप लिख लिख के याद करें, आप इतना बार लिखें कि वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में वो बैठ जाए कि हाँ ये टॉपिक जब आता है देन वही एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आते हैं. सपोज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिखा गया है
कि लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि ऑयली स्टेन्स, कपड़े में जो ऑयली स्टेन होता है उसको आप कैसे हटा सकते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस दिमाग में आएंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में यही मिलेगा लाइपेजेस। सो अगर आप एनसीईआरटी पहले से पढ़े हुए होंगे सो ये ऑप्शंस आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करेगा। सो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बायो में आपको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना है, और इसके साथ ही साथ जो डायग्राम्स दिया गया है एनसीईआरटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायग्राम एज इट इज़ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जस्ट वो यहाँ से उठाते हैं और पेपर में डाल देते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम की बात कर रहा था। सो ये जो ब्रायोफाइट का एक एग्जाम्पल है मर्केंशिया, जो लिवर वॉट है, सो इसका डायग्राम एज इट इज़ एग्जाम में पूछ सकता है, और आपको ये भी पूछ सकता है कौन का मेल थैलस है और कौन सा फीमेल थैलस है, ये भी पूछ सकता है। सो इसमें से कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, सो यहाँ पे आप देखिए कि एक फ्लावर जैसा कुछ दिख रहा होगा, सो दिस विल बी द फीमेल थैलस। सो आपको ये डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सो हर एक डायग्राम आप अगर पहले से देखेंगे तभी जाकर बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ रहता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का एक यहाँ पे बॉक्स दिया गया है ऑफ सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आपको अब सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं पढ़ना है, जो एटलीस्ट मेन दिया गया है यहाँ पे एटलीस्ट उसको देख लेना है, तभी जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आप सोचते रह जाओगे कि मैंने तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया था, सारा पैराग्राफ पढ़ लिया, लेकिन मुझे तो कहीं ये दिखा नहीं। सो आपको ये टेबल्स जो दिया गया है वो भी बहुत अच्छे से करना है। नाउ नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था 12th एनसीईआरटी का, इस लाइन से ये क्वेश्चंस एज इट इज उठा के दे दिया था। द क्वेश्चन वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम वाज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड देयर पोजीशन वाज मैप्ड ऑन द क्रोमोसोम। अब ये कहा गया था कि इसको कौन किया था, कौन सा साइंटिस्ट इसको किया था। अब जैसे ही रिकॉम्बिनेशन या फिर ऐसे नाम सुनते हैं, सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग पे आते हैं दैट इज ऑफ मॉर्गन, लेकिन द आंसर वॉज नॉट मॉर्गन। एंड बहुत स्टूडेंट्स इसको मॉर्गन करके आए थे, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है, जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा वो ये आंसर सॉल्व कर देगा इजीली, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूटीवेंट यूज्ड द फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका आंसर क्या होगा, अल्फ्रेड स्टूटीवेंट। सो इसको बहुत सारे स्टूडेंट नीट 2019 में इसको गलत करके आए थे, जिसका आंसर एज इट इज़ एनसीईआरटी से ही लिया गया था एंड इसका आंसर यही गया था। सो दस टू कंक्लूड दिस, आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक्स, सो ये आपको एक बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। सो एनसीईआरटी को एकदम नहीं छोड़ना है, आप ये दिमाग में बिठा के लीजिए कि आप कहीं से कुछ भी समझ ले, लेकिन एट दी एंड आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। 11th और 12th के एनसीईआरटी स्पेशली फॉर बायो, इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, एंड इट विल हेल्प यू सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक एक नंबर के लिए बहुत रैंक पीछे चला जाता है। सो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है, सो दैट यू स्कोर वेल इन द एग्जाम्स। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम्स।